तो हेलो गाइस, आज मैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें मैं ऐसी लो क्वालिटी ऑडियो को या आपकी वीडियो में एक ओल्ड टीवी का लुक दे देता है एडिट करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल ऑडियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ या आपकी वीडियो में एक ओल्ड टीवी का लुक दे देता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रीमियर प्रो में आने के बाद यहाँ पे हमारी एक ये मेन ऑडियो है, ये मेरी वॉइस है और ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में चले जाने हैं और आपको सिंपली डायनामिक्स सर्च कर लेना है और इसको अपनी ऑडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। फिर आपको सिंपली यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में एडिट में क्लिक कर देना है और आपको कंप्रेसर और लिमिटर में टिक लगा देना है। तो ये लिमिटर क्या करता है कि ये हमारी ऑडियो में मैक्सिमम डीबी की लिमिट लगा देता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपके वॉइस की वॉल्यूम लॉक हो जाएगी आप जिस भी डीबी पे लिमिटर लगाओ। तो आप इसको -1, -2 या -3 में लगा सकते हो, लेकिन आप -1 से ज्यादा मत करना, नहीं तो आपकी वॉइस कुछ इस तरीके की साउंड करेगी। जल्दी वहां से हटो। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको मेकअप दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू को आपको धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना है और अपनी ऑडियो को सुनते रहना है तो आपकी वॉइस जिस भी वैल्यू पे सबसे लाउड हो और क्वालिटी भी खराब ना हो रही हो। तो मैं इसको रख रहा हूँ 15 dB पे। मैं आपको बिफोर आफ्टर सुना देता हूँ बिना इस इफेक्ट के साथ और इस इफेक्ट के साथ। ये आपकी वीडियो में एक ओल्ड टीवी का लुक दे देता है तो अब हमारी ऑडियो मैक्सिमम लाउड तो हो चुकी है, अब इसको और क्लियर और एक प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई ऑडियो जैसा बनाना है। तो आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में चले जाना है और आपको सर्च कर लेना है पैरामेटिक इक्वलाइजर और सेकंड इफेक्ट आपको सर्च करना है मल्टी बैंड कंप्रेसर। फिर आप इफेक्ट कंट्रोल पैनल्स में पैरामेटिक में एडिट में क्लिक कर देना और अब आप इस ग्राफ को समझो सिंपली। तो इस साइड आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज है, इस साइड है लो फ्रीक्वेंसीज और ये है मिड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे हाई पास और लो पास का फिल्टर भी दिया हुआ है। तो आपको सिंपली हाई पास फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या करता है कि आपकी ऑडियो में जितनी भी अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसीज होती है उसको कट करता है। तो आप क्या करना है, आपको अपनी ऑडियो सुननी है और इसकी वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना है और जिस भी वैल्यू में आपको लगे कि आपकी ऑडियो बेस्ट साउंड कर रही है उस वैल्यू में रख देना। मैं इसको 145 हर्ट्ज पे रख रहा हूँ। फिर सेम ऐसे ये वाला एरिया जो है ये मिड्स का एरिया है, तो अब हम मिड्स वाले लेवल को सेट करेंगे। आपको यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू को हल्का सा इंक्रीज करना और अपनी ऑडियो को प्ले करना। तो आपको इसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखना है, जहाँ पे भी आपकी ऑडियो बेस्ट साउंड कर रही होगी वहाँ पे इसको रख देना है। सेम ऐसे ही आपको 3 और 4 की भी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखना है, आपकी ऑडियो जहाँ बेस्ट साउंड कर रही होगी वहाँ पे इसको रख देना। तो मिड्स सेट करने के बाद आपको इस एच वाले को पकड़ना है और इसको सिंपली ऊपर पे को ले आना है और आपको याले आइकन में क्लिक कर देना है और सेम यहाँ पे भी आपको अपनी वॉइस सुननी है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखना है कि कहाँ पे बेस्ट सुनाई दे रही है और इसको सेट कर देना है। तो हमारी वॉइस एकदम क्लियर हो चुकी है। और अगर आपको ये सब बहुत ज्यादा लग रहा है और आप मैनुअली नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ प्रीसेट में क्लिक कर देना और वोकल इनहेंसर में क्लिक कर देना। तो ये भी सेम तरीके का ही काम करता है, लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं करता है ये, किसी किसी ऑडियो में बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअली सीख लो और अगर आपको एक बार मैनुअली एडिट करना आ गया तो आप कोई भी ऑडियो इजीली एडिट कर सकते हो। फिर आपको सिंपली इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में चले जाना है और मल्टी बैंड के एडिट में क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे प्रीसेट में सिंपली ब्रॉडकास्ट सिलेक्ट कर लेना है। इस इफेक्ट से हमारी ऑडियो एकदम ऐसा साउंड करेगी जैसे किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करी हुई है। मैं आपको बिफोर आफ्टर सुना देता हूँ इन 3 इफेक्ट्स के साथ और बिना इफेक्ट्स के साथ। ये आपकी वीडियो में एक ओल्ड टीवी का लुक दे देता है तो आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी ऑडियो में नॉइस आ चुकी है। तो उस नॉइस को कैसे रिमूव करेंगे, आपको सिंपली इफेक्ट्स पैनल में जाके डी नॉइस सर्च कर लेना है और इसको अपनी ऑडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर आपको एडिट में क्लिक करना है और यहाँ से अमाउंट को उतना सिलेक्ट करना है जितना आपकी ऑडियो में नॉइस है। मेरी ऑडियो में बहुत कम नॉइस है तो मैं इसकी वैल्यू को 20 पे रखता हूँ और मैं प्ले करके सुनूंगा और मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ी और नीड है तो मैं इसकी वैल्यू को 25 रख देता हूँ। तो आपको ऐसे ही रखना है, आपको स्लोली स्लोली इंक्रीज करनी है इसकी वैल्यू और जिस भी वैल्यू में आपकी ऑडियो बेस्ट साउंड करे उस वैल्यू को सेट कर देना है। तो हमारी वॉइस की ऑडियो एडिटिंग हो चुकी है। मैं आपको बिफोर आफ्टर सुना देता हूँ हमारी ऑडियो स्टार्टिंग में कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। ये आपकी वीडियो में एक ओल्ड टीवी का लुक दे देता है ये आपकी वीडियो में एक ओल्ड टीवी का लुक दे देता है।
हम बैकग्राउंड म्यूजिक को एडिट कर लेते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम कितनी रखें कि हमारी वॉइस भी परफेक्टली सुनाई दे और बैकग्राउंड म्यूजिक भी परफेक्टली सुनाई दे। तो इसको करने का एक बहुत ही सिंपल लाइफ हैक है। आपको अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करके ऑडियो पैनल में चले जाना है और यहाँ से प्रीसेट में क्लिक करके म्यूजिक में जाना है और बैलेंस्ड बैकग्राउंड म्यूजिक में क्लिक कर देना है। इससे आप देख सकते हो कि प्रीमियर प्रो ने अपने आप इस ऑडियो की वॉल्यूम कम कर दी है और ये एकदम परफेक्टली सेट कर दी है आपके वॉइस के हिसाब से। और एक और प्रो टिप, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी वॉइस है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है और यहाँ बीच बीच में गैप है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि जहाँ आपकी वॉइस है वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाए और जहाँ आपकी वॉइस नहीं है, जहाँ गैप है, वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाए, तो उसको करने के लिए एक बहुत ईजी ट्रिक है। आपको सिंपली अपनी वॉइस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्रीसेट में डायलॉग सिलेक्ट कर लेना है, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक में क्लिक करना है और यहाँ से म्यूजिक में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डकिंग दिख रहा होगा तो इसको इनेबल कर देना है और यहाँ आपको खाली डक अमाउंट में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फिर यहाँ आपको तीन चीज देखने को मिलेगी, सेंसिटिविटी, डक अमाउंट और फेड्स। तो आपको खाली मेन डक अमाउंट में देखना है, आपको उस आपको यहाँ डीबी की वैल्यू उतनी रखनी है जितना आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम कम करना है। मैं इसको -18 पे ही रहने देता हूँ और आपको सिंपली जनरेट की फ्रेम्स में क्लिक कर देना है। तो अब आप प्ले करोगे तो जहाँ जहाँ आपकी वॉइस है वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम कम हुई होगी और जहाँ गैप है वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विजुअल्स बाय ललित को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले ओके बाय।